मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कलेक्टर प्रियंका दास के निर्देश पर यातायात विभाग के द्वारा हरदा होशंगाबाद मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच कर चालानी कार्रवाई की गई, जिसे देख हर एक नागरिक ने कहा कि ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। वहीं सभी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेंगुरिया की तारीफ भी की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया कार्रवाई के दौरान कि सभी ऐसी कार्रवाई की मांग करने लगे, तो हम आपको बता दें कि यातायात विभाग के द्वारा 48 वाहनों की चेकिंग की गई, जिनसे 18,000 रुपये समझौता शुल्क और 1,97,000 रुपये राजस्व शुल्क वसूला गया। साथ ही यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने यात्री बसों में सूची नहीं लगी होने, अधिक किराया यात्रियों से वसूला जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए बसों में किराया सूची लगाने और यात्रियों से अधिक किराया ना वसूलने की समझाइश दी। वहीं ये भी कहा कि किराया सूची बस में नजर नहीं आई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितना पैसा दिया इन्हें, किराया कितने दिया? 70 रुपये। आप कहाँ से? शिवपुर से। आपसे कितना दिया? 70 रुपये दिया। शिवपुर कितना? 65 किलोमीटर है ना? किलोमीटर है शिवपुर। सुनो, ये 5-5 रुपये वापस करो सबसे। हाँ वापस करो। 80 किलोमीटर। और किससे कितना कितना किराया लिया आप? कहाँ से? देखो 1 रुपया किलोमीटर है सीधा सीधा, जितना किलोमीटर है उतना रुपया देना है आपने। मतलब एक अवेयरनेस के लिए भी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आप बिल्कुल याद रखो, क्योंकि हमें बहुत शिकायत मिल रही है कि ये जो है किराया सब लोग ज़्यादा ले, इसीलिए मैं खुद चेकिंग पे उतरा हूँ। ठीक है, स्टाफ को नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ यही देखने के। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, शिकायतें हैं। तो 1 रुपया किलोमीटर है सीधा सीधा, आप जितना किलोमीटर बैठोगे उतने का रुपया दूंगा। 60 है 60 रुपये, 65 है 65 रुपये, 70 है 70 रुपये। ठीक है, इनके वापस करो सबके पैसे अभी तुरंत। और सुनो, इनका वो जब्त करो और इनका परमिट निरस्त कीजिए। चलो आओ इधर आओ, परमिट भी इनका निरस्त करो। सुनो तुम इधर चलो, तुम पहले पैसे वापस करो सब। आप लोग अपने अपने पैसे वापस लो, है ना, 5 रुपये 10 रुपये जो भी है सब वापस करो।